हेलो एवरीबॉडी, नाउ दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 12। एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील विथ आवर सेवेंथ लेक्चर। सो टुडे हियर वी आर डील अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो कि आपको इस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको मैं बेसिक तौर पे आपको बताऊं तो ये आप गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। यहाँ पर तो आपको बेसिक तौर पे देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ, ये ऐसा अपरेटस है जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी को एक्सप्लेन करता है। लेकिन ना सिर्फ ये किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताता है बल्कि उस चार्ज के पोलैरिटी को भी एक्सप्लेन करता है अलोंग विथ पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी। लेकिन उतना डिटेल्ड में इस लेवल पे यहाँ पे नहीं बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करना और उसकी पोलैरिटी की ही बात होगी। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कंडक्शन और इंडक्शन दोनों ही प्रोसेस को आप यहाँ पे यूज करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिंपल अपरेटस विथ विच द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक नॉब इज टच विथ अ चार्ज बॉडी। देखिए यहाँ पर आपको दो सेट में तीन डिफरेंट डिफरेंट फिगर से पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके सामने जो ये जार नुमा स्ट्रक्चर है, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो ऐसे पतली लाइनें हैं। ये आपका गोल्ड लीव है जो एक इवैक्यूएटेड जार में कैद है। ये पूरा का पूरा जो जार है ये इवैक्यूएटेड है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम टाइप का है। और ये आपका एक मेटल नॉब है ऊपर का हिस्सा, ये रॉड है, ये भी कंडक्टर है, वो भी कंडक्टर है। तो इन दोनों को जोड़ा गया है नॉब, बीच में ढक्कन से इसको बंद कर दिया गया है। तो ये पूरा कंडक्टर का बेस है और नीचे दो लाइन में जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, गोल्ड लीव है। तो चलते हैं अब इसको, इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर समझने। तो आप पहले क्या करते हैं, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लाते हैं, यानी कि ये अंदर ही अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, पूरी तरह से अनचार्ज है। तो जब आप किसी बाहरी चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हो, देखिए पहले पहले सेट के पहले फिगर में आप देख पा रहे होंगे, जब एक चार्ज बॉडी को आप इसके पास लाते हो और कंडक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, देखिए उस चीज को टच कर रहा है वहां पे। तो जब आप कंडक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो क्या होता है भाई, कंडक्शन पूरा का पूरा, पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज, पूरे बॉडी में उतर जाएगा। यानी कंडक्शन के दौरान मैंने बताया था कि किस तरह से ये अंदर पूरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कराएगा। अब जब ये वहां उस दूसरे बॉडी से इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज पूरे कंडक्टर्स में आ जाएगा तो क्या होगा, गोल्ड लीव के पास भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जाएगा और सेम चार्ज होने की वजह से ये गोल्ड लीव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये तो पहला पार्ट था जिसमें आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अगर कंडक्शन के प्रोसेस से इस पे अप्लाई होते हैं तो गोल्ड लीव का डाइवर्जेंस जरूर होगा। दूसरे तौर पे अगर भाई इंडक्शन कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव, फिगर ए बी और फिगर सी दोनों को ही ध्यान से देखिए, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाई इंडक्शन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पास में लाया कंडक्टर यानी मेटल नॉब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आया, आप जानते हो बाई इंडक्शन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरे के पूरे बॉडी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट गए, तो नीचे से नेगेटिव चार्ज ऊपर मेटल नॉब की तरफ आ गया तो नीचे क्या बचा, पॉजिटिव चार्जेस बचे। वहीं दूसरे फिगर में हम बात करें तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से नीचे नेगेटिव चार्ज बचे। तो या गोल्ड लीव पे या तो पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ या नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ आए तभी भी ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा।
तो आपने देखा ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी में बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन जब हमने इस कॉन्सेप्ट को डील किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, रिपल्शन का मिला। यानी पता चलता है कि यहाँ पे चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है दोनों प्रोसेस से, तो रिजल्ट क्या सामने आता है, यानी डिडक्शन ऑफ चार्जेस यहाँ पर इस तरह से क्लियर होता है। वहीं अगर हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास इस चीज को लाए तो यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, ये भी देखते हैं। तो जैसे ही हम एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास एक चार्ज कंडक्टर को लाते हैं, यानी मेटल नॉब से टच करते हैं, यानी बाई कंडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज में उतरने की कोशिश करेगा। पहले से भी ये चार्ज है, फिर भी ये पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, अभी कौन सा चार्ज है, हमें चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि हमें पहले से पता है कि कौन सा चार्ज है, हमें नहीं पता वो कौन सा चार्ज है, लेकिन कहने का सेंस क्या है कि अगर पहले से हमें पता नहीं है और हम बाहर से कोई चार्ज लाते हैं, चार्ज बॉडी को लाते हैं, जैसे यहां आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज को लाया, वहीं आप नेगेटिव चार्ज को भी ला सकते हो, तो दोनों ही केसेस में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं और हमें पता नहीं है कौन सा चार्ज है, तो बाई कंडक्शन प्रोसेस से अगर नेगेटिव होगा तो पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पूरा के पूरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन का कॉन्सेप्ट शो करेगा, तो वहां पर भी आपका डायवर्जेंस मैक्सिमम होगा। देखिए यहां पर दो चीजें होती है, डायवर्जेंस तो होना कंफर्म है, हर केसेस में आपको डायवर्जेंस ज्यादातर दिखेगा, लेकिन अगर डायवर्जेंस कम हो रहा है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्वांटिटी कम है, डायवर्जेंस ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का अमाउंट बहुत ज्यादा है और खुद अपने आप में डायवर्जेंस उसके इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो उसकी पोलैरिटी को, कि जो आप चार्ज दे रहे हो वो अगर सेम है तो डायवर्जेंस हो रहा है, उसके जस्ट अपोजिट अगर इसका अंदर चार्ज है तो वहां कन्वर्जेंस होगा। इस बात को आप फिगर सी में समझ पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से कंडक्शन के कॉन्सेप्ट के दौरान भी हमें डायवर्जेंस का कॉन्सेप्ट मिला, चार्ज एक्चुअल में क्या चार्ज है ये पता ना होने पे। भाई अगर सेम चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो तुरंत तुरंत रिपल्शन होगा, मतलब तुरंत तुरंत हाँ रिपल्शन हो डायवर्जेंस होगा, तो ये पता चल जाएगा कि जो चार्ज हम पास में लाए थे वही चार्ज इसके पास था। अगर पहले कन्वर्जेंस हो रहा है फिर डायवर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में वो कुछ और चार्ज था, इसके वजह से अट्रैक्शन के वजह से या कंडक्शन के वजह से जो न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके, न्यूट्रलाइज करने के जो दौरान जो काम करेंगे उस दौरान क्या होगा, थोड़े देर के लिए कन्वर्जेंस होगा। तो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट होने का मतलब ही ये हो गया कि जो बाहर से आप चार्ज ला रहे हो, चार्ज बॉडी को ला रहे हो, उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज उस इलेक्ट्रोस्कोप पे है, और अगर डायवर्जेंस हो रहा है इसका मतलब 100% कंफर्म है कि जो पोलैरिटी का चार्ज आप लेके आ रहे हो वही पोलैरिटी के चार्ज उस पे है पहले से। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। वही दूसरे बी वाले कॉन्सेप्ट में देखिए तो बाय इंडक्शन जब आप नेगेटिव चार्ज को ला रहे हो और वो बॉडी हमें पता नहीं है, मान के चलते नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे तो मैक्सिमम डायवर्जेंस गोल्ड लीव में देखने को मिलेगा। वही अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं और मान के चलिए कि वो इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से बाय इंडक्शन अट्रैक्ट करने के लिए मेटल नॉब पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू होंगे। देखिए एरो दिख रहा है आपको नीचे से किस तरह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने, हेल्प करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ से निकलकर मेटल नॉब पे जाएंगे तो क्या होगा, चार्जेस की क्वांटिटी यहां घटेगी और चार्जेस की क्वांटिटी घटने की वजह से कुछ क्षण के लिए कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्कोप शो करेगा। यही कन्वर्जेंस तो हमें बताता है कि जो चार्ज बॉडी हम इसके पास ला रहे हैं उसकी पोलैरिटी और इस इलेक्ट्रोस्कोप की पोलैरिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर हमें पता है कि जिस चार्ज बॉडी को हम ला रहे हो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हो किस तरह से हम बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन पूरे इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज और अनचार्ज रूप में समझने की कोशिश किया और 6 डिफरेंट फिगरों से समझाया भी। इसके नोट्स की अगर हम बात करें तो आप ये नोट्स यहां से नोट डाउन कर सकते हो जो कि बहुत ही शॉर्ट में है, व्हेन
मेटल नॉब इज टच विद अ चार्ज बॉडी, सम चार्ज इज ट्रांसफर टू द गोल्ड विच देन डाइवर्ज ड्यू टू रिपल्शन। वही बात है जो मैंने कहा, उसी को इसने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, तो आप चाहे तो खुद से नोट्स बनाए या इस चीज को ही नोट डाउन करें। इसके आगे द सेपरेशन गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। इफ अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप द लीव विल फर्दर डाइवर्ज। इफ द चार्ज ऑन बॉडी इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड विल यूजुअली कन्वर्ज इफ अपोजिट। If the induction effect is strong enough, leaves after converging may again diverge. तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। थैंक यू।